तो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपोगा ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस कि राजू पटौती वायरल कैसे हुआ, आखिर क्या है इस वीडियो में जो इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है, आखिर फर्स्ट ब्लॉग इतना तेज़ी से वायरल क्यों हुआ, उस वीडियो में क्या है, आखिर क्यों यूट्यूब ने उस वीडियो को ट्रेंडिंग में डाल दिया। मेरे चैनल पर कोई नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजू पटौती की वायरल होने की कारण क्या है, आखिर क्यों उसका फर्स्ट ब्लॉग ही क्यों वायरल हुआ, बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, आखिर क्या है उस वीडियो में, क्या वीडियो क्वालिटी सही है या थंबनेल सही है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ना ही उसका वीडियो क्वालिटी सही है और ना ही उसका थंबनेल सही है। तो आप लोगों को सोच में आ रहा होगा कि आखिर वीडियो क्वालिटी भी सही नहीं है और थंबनेल भी सही नहीं, तो आखिर क्यों वायरल हुआ वो वीडियो। तो बता दो दोस्तों, उसका वीडियो था 2 मिनट 4 सेकंड का, बहुत ही छोटा वीडियो था। पहली बात तो है कि उसका लक ने बहुत साथ दिया, क्योंकि अगर भाग्य साथ नहीं देगा, ऊपर वाला साथ नहीं देगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और उसका वीडियो जो है 2 मिनट 4 सेकंड का था, जबकि उसके ऑडियंस ने उसका वीडियो आधा तो ज़रूर देखा है, मतलब 2 मिनट 4 सेकंड का वीडियो है तो 1 मिनट तो ज़रूर देखा होगा। अगर कोई वीडियो अपलोड करते टाइम, मतलब कि कोई वीडियो अगर अपलोड करे तो ऑडियंस अगर उस वीडियो को आधा देखेगा तो उस वीडियो का वायरल होने का संभावना बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो जबकि उसका वीडियो था 2 मिनट 4 सेकंड का, तो ऑडियंस ने उसके वीडियो को 1 मिनट देखा है और बहुत सारे ऑडियंस ने देखा है 1 मिनट करके। तो जबकि उस वीडियो को यूट्यूब ने ट्रेंडिंग पर डाल दिया, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़िया आया था और वीडियो क्या बताऊँ, वीडियो क्वालिटी उतना सही खास नहीं था और उसका बोलने का स्टाइल भी उतना खास नहीं था, थंबनेल भी उतना बढ़िया नहीं था, फिर भी देखो कैसे वायरल हो गया। अगर आप कभी भी वीडियो अपलोड करोगे तो जैसे कि बहुत लोग नए चैनल खोल के ब्लॉग बनाते हैं, तो देखता हूँ कि पहले पहले वो लोग बहुत बड़ा वीडियो डाल देता है, 8-10 मिनट का वीडियो। तो ये काम आप लोग नहीं करना कि अगर पहले कोई नया नया चैनल खोलोगे तो कम से कम छोटा वीडियो डालने की कोशिश करना, ताकि वो वीडियो वायरल होने का संभावना रहे।